नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में 17 दिनों में तीसरी बार ट्रेन बेपटरी करने की साजिश नाकाम हो गई है। यूपी के कानपुर के बाद अब राजस्थान में ट्रेन पलटने की साजिश का ये मामला सामने आया है। राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के भारी भरकम ब्लॉक मिले हैं। ट्रेन को पलटाने के लिए ये पत्थर ट्रैक पर रखे गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया और बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये साजिश किसने रची। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर यूपी के कानपुर की है, दूसरी तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है। एक जगह ट्रेन को डीरेल करने के लिए गैस सिलेंडर रखा गया था, जबकि दूसरी जगह सीमेंट का ब्लॉक रखा गया था, जिसकी वजह से एक क्विंटल से ज्यादा है। और दोनों मामलों की पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश करने के मामले में साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। तो ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, दूसरी तस्वीर राजस्थान के अजमेर की है, जहां ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। तो राजस्थान में 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। इस बार अजमेर में सरादना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच दो स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो के ब्लॉक रख दिए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकलकर गई और कोई हादसा नहीं हुआ। मामला फुलेरा से अहमदाबाद मार्ग पर रविवार रात का है। ये मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी। इस मामले में मांगलियावास थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। इससे पहले 28 अगस्त को बारा के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया। 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 8 सितंबर की रात 10:30 बजे सूचना मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वो टूटकर गिरा हुआ है और 1 किलोमीटर आगे एक और ब्लॉक टूटकर साइड में रखा हुआ था। ये दिनांक 8 तारीख की रात्रि सूचना मिली मांगलियावास थाने में। रेलवे अधिकारी ने सूचना दी कि इस तरह 10:30 बजे के आसपास ट्रेन आई थी। उसके आगे जो DFCC लाइन है रेलवे की, उसके ऊपर जो लामाना गांव है मांगलियावास का, उसके सरहद के आसपास रेलवे लाइन पर अज्ञात लोगों ने, शरारती तत्वों ने दो कंक्रीट ब्लॉक्स जो है वो पटरी पर रख दिए थे। अब क्या उनकी मंशा रही है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रेन उन दोनों ब्लॉक को तोड़ती हुई आगे निकल गई, जिस पर रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट मिलने पर अधिकारी मौके पर गए और अभी भी टीमें लगा रखी हैं तो वर्कआउट करने के लिए, और SHO स्वयं तफ्तीश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150/152 रेलवे एक्ट और 3 PTPA। सब तक कोई गिरफ्तारी कोई नहीं, कोई जानकारी नहीं कौन है शरारती तत्व, अज्ञात लोग हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। शीघ्र ही पता लगाते गिरफ्तारी भी की। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय कराते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रेम पाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड के हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रेमलाल शर्मा जी हैं और हमारे साथ संवाददाता पवन अटारिया भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रेमलाल शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। प्रेमलाल जी, देखिए जो बड़ी साजिश नाकाम हुई है, इससे बड़ा हादसा हो सकता था और ये पहली घटना नहीं है जो राजस्थान के अजमेर में हुई है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके की हरकत की गई है जिससे बड़ा हादसा होते होते टला है, और कई बार तो हादसे हो भी जाते हैं, लेकिन इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? ये जो बड़ा हादसा होता, इसको लेकर आखिर क्यों नहीं सतर्कता से जांच पड़ताल की जा रही है? नहीं, बहुत खतरनाक खबरें हैं, और केवल भारतीय रेल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि अगर ऐसी शुरुआत हुई तो पुलिस चप्पे चप्पे पर नहीं रह सकती। किसी भी देश के लिए संभव नहीं है कि इसकी जड़ में थोड़ा सा जाना होगा। और मुझे लगता है कि एक प्रशासक के नाते मेरा पहला कदम तो ये होगा कि अगर एक महीने के अंदर जो घटनाएं आपने गिनाई हैं, अगर इतनी घटनाएं हुई हैं, तो उसके लिए भले ही सारी खुफिया एजेंसी या सारी पुलिस को आगे बढ़ना पड़े और पता लगा के, और उनको सजा भी दी जाए और सजा का वाकायदा मुनादी भी की जाए। लोगों तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए, और सख्त से सख्त सजा। ये तो हमारे दूसरे मामलों में जो फांसी की सजा या दूसरी है, ये उससे कम नहीं है। आपकी रिपोर्ट से ही पता लगता है कि अगर वो एक क्विंटल अगर वजन की चीजें रखी गई हैं, इसका मतलब है कि वो अकेले आदमी का काम नहीं, कुछ लोगों का है।
इसे सिर्फ इस रूप में नहीं छोड़ा जा सकता कि इससे माहौल बिगड़ेगा। अगर गिरफ्तारी की जरूरत है तो उसे तुरंत की जाए, और अगर आपकी ऐसी रिपोर्टें राज्य सरकारें, राजस्थान की भी खबरें आपने बताई हैं, यूपी की भी बताई हैं, अगर सुन रही हैं तो उसमें सख्त कदम की जरूरत है। दूसरा मेरा सामाजिक पक्ष ये भी रहेगा कि हमें ट्रस्ट से आगे बढ़ने की जरूरत होगी, जैसे कि पिछले दिनों फरीदाबाद में हुआ कि हमने शक के आधार पर ही, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रस्ट पैदा होता है तो उसे कोई भी पुलिस कोई भी व्यवस्था दूर नहीं कर सकती, हमें ट्रस्ट रखना बनाना होगा उस समाज के अंदर। लेकिन दोनों ही बातें, उसमें डर भी पैदा करना होगा कि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि भारतीय रेल पर आरोप लगाना तो बहुत आसान है कि वो ट्रेन लेट चल रही है, पटरी सिग्नल पार कर दिया, ह्यूमन फेलियर होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन फेलियर नहीं है। अगर ये हादसा हो गया होता तो बहुत आसान है विपक्ष के लिए भी और सत्ता के पक्ष के लिए भी अपने को डिफेंड करना या आरोप लगाना कि रेल दुर्घटना हो रही है, लेकिन उसकी जड़ में जाने की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि अगर इसमें किसी को पकड़ा जाता है तो शायद एक ऐसे ऐसे सबक सिखाने की जरूरत है, अगर ताउम्र जेल में भी रखना पड़े तो जरूरी नहीं है कि हादसे के बाद ही उनको जेल में और बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। ये मेरा मानना है कि खबरें बड़ी एक डर और एक गुस्सा पैदा करने वाली है। बिल्कुल प्रेमपाल जी, देखिए सीमेंट के ब्लॉक यहाँ पर रखी गई थी, वंदे भारत ट्रेन को भी डीरेल करने की साजिश इससे पहले की जा चुकी है, बार बार इस तरीके की साजिश की जा रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इन बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, बार बार ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई सख्त एक्शन लिया जाता तो इस तरीके की हरकत करने से पहले जो बदमाश हैं उनके अंदर खौफ जरूर पैदा होता। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। एक महीने आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक महीने से ये हो रही है, तो अगर उसकी फॉलोअप स्टोरी अगर हो कि क्या एक्शन लिया है, कौन लोग पकड़े गए, और बाकायदा उनको अखबार में रेलवे को भी बताने की जरूरत है, जनता को और आपके मीडिया को भी, और मैं समझता हूँ कि यह देश के लिए और हमारी पूरी रेल व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी कदम होगा, नहीं तो लोगों का यकीन हट जाएगा और शायद यह देश के लिए बहुत दुखद होगा। बिल्कुल प्रेमपाल जी, देखिए जिस तरीके की हरकत बार बार की जा रही है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी डीरेल करने की कोशिश ट्रेन को की गई, गैस सिलेंडर वहां पर ले जाकर रखा गया, तो पूरे देश भर में ये चल रहा है। इसमें ज़रूरत है कि अभी कोई सख्त एक्शन लिया जाए और जांच पड़ताल को भी तेज़ किया जाए, चूँकि अगर इस तरीके की घटना होती है तो बहुत बड़ा हादसा होगा, कई लोगों की जान जा सकती है, कोई एक्शन सख्त लेना ज़रूरी है। सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं, मैं आपकी बात से अगर एक और भी एंगल से देखा जाए कि कुछ घटनाएं होती हैं कि जिसमें किसी का कत्ल होता है, वो व्यक्तियों तक उस गांव तक सीमित रहता है, यह पूरे प्रश्न, यह पूरी व्यवस्था का प्रश्न है कि मान लीजिए अगर एयरपोर्ट को उड़ाने की कोशिश की जाए या पूरी रेल को डिरेल करने की कोशिश की जाए, तो इसका मतलब है कि कुछ ताकतें जो इस देश में लगातार ऐसी समस्याएं पैदा करना चाहती हैं, अगर उनको सबक नहीं सिखाया गया तो ये हमारी शायद सरकारों की विफलता होगी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और मैं रेलवे को भी मतलब उसमें जिम्मेदार इसलिए नहीं मानता कि अगर ऐसा है तो रेल जहां से गुजरती है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की लोकल पुलिस की भी होती है और समाज की भी होती है, तो समाज को भी आगे बढ़ के ऐसे लोगों का आगे सूत्र देना चाहिए। और मतलब यही कह सकते हैं जो आपकी बात को ही मैं दोहराऊंगा कि सख्त से सख्त सजा देके जिससे कि कम से कम निकट भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होने पाए, यही एक बचने का रास्ता रेल को बचाने का। बिल्कुल सही कहा प्रेमपाल जी आपने। हमारे सहयोगी पवन अटारिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए ट्रेन को डीरेल करने की जो साजिश रची गई है अजमेर में, इसका खुलासा तो हो गया है, लेकिन अब तक क्या कोई प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है, क्या लोगों की पहचान हो पाई है जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, देखिए शिवानी, हर बार की तरह सिर्फ FIR दर्ज हो गई है और जांच की जा रही है। यही सक्षम अधिकारी जो भी FIR जिस थाना क्षेत्र में होती है, जिस भी एजेंसी के पास जाती है, वहां सिर्फ यही जवाब है कि FIR दर्ज हो गई है, जांच की जा रही है, मगर जांच किस दिशा में होगी कुछ पता नहीं है, कौन व्यक्ति है कोई पता नहीं है बस। और यहां पर जिस तरीके का मौका तस्दीक होती है, मौका मुआयना होता है, वो यहां पर जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने भी हर पहलू पर जांच करने के आदेश सक्षम थाना अधिकारी, मांगलियावास थाना अधिकारी थे जो यहाँ पर अभी मौका निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने बात कही है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति का भी घटना के वक्त 8 सितंबर की साढ़े रात को 10:30 बजे जिस किसी का भी मोबाइल नंबर ऑपरेट हो रहा था,
जिस किसी की भी CDR यहाँ की मिलेगी, यहाँ के जो BTS होती है, जो लोकेशन होती है, वो व्यक्ति जो है वो निश्चित तौर पर शक के घेरे में आ सकते हैं। और जो अभी पुलिस की जो जांच है 48 घंटे करीब होने को आ रहे हैं, 2 दिन पूर्व की यहाँ पर घटना है, उसमें जो पुलिस है जांच कर रही है, मगर अभी कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं है। शिवानी, ये बात बहुत जरूरी है जानना, जिस तरीके से DFCC का जो ट्रैक होता है, जिस पर ये माल संचालन होता है, ये कहीं ना कहीं देश की आर्थिक प्रगति को लेकर इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। जिस तरीके से रोड पर ट्रैफिक जाम होता है, माल का आवागमन होता है, तो ट्रैक एक ऐसा सरल उपाय है जो कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी आदान प्रदान के सामान होते हैं, खाद्य सामग्री होती है, कोई भी चीजें होती है, वो आराम से यहाँ से पहुंच जाती है। तो ऐसे में इस ट्रैक को क्षतिग्रस्त करना, ट्रैक को बेपटरी करने की कोशिश कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। ये कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को इस पर अहम जो कड़ी है वो मिलानी होगी, और जो साजिश करता है उनको गिरफ्त में लाना होगा, पर्दाफाश उनका करना होगा, जिससे कि अब कोई ऐसी घटना कारित ना कर सके। जिस तरीके से पुलिस है, उन्होंने जो यहाँ की जो कह सकते हैं सार्वजनिक और जो गवर्नमेंट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उस एक्ट में और अलग अलग एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच यहाँ पर की जा रही है। जी शिवानी, ठीक है, पवन बने रहे हमारे साथ, प्रेमपाल शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। प्रेमपाल जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि प्रशासन को एक्टिव होने की जरूरत है ऐसे मामलों में, समाज को भी एक्टिव होने की जरूरत है, लेकिन रेलवे बोर्ड की तरफ से क्या ऐसे मामलों को लेकर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है? क्या चेकिंग नहीं होती है पहले से? अगर ऐसी घटना हो रही है बार बार, तो इसमें रेलवे बोर्ड को भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है। जो आपके रिपोर्टर ने जो कहा, पहले मैं उस बात पर आता हूँ कि इससे पूरे देश की आर्थिक प्रगति पर असर पड़ता है। अगर आप किसी भी देश को आगे बढ़ने के, तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सुरक्षा नहीं होती, यह मामला रेलवे से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर का है। देखिए, रेल अपनी, अगर रेल के की पटरी से डिरेल होती है, वो कोच अलग होते हैं, सिग्नल पार करते हैं, वो रेलवे का वो है, लेकिन ये एक राज्य, इसीलिए तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था में हमने GPI रेलवे की जो राज्य की पुलिस होती है उसका सहयोग। मैं अब दूसरे उस पर आता हूँ, क्या हमारे पास में राज्य की एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां होती हैं, पुलिस के दूसरे वो होते हैं, आखिर वो ऐसा इसको पता क्यों नहीं कर पाते? आप कह रहे हैं कि वो उनके पास जाइए तो FIR करने से काम नहीं चलेगा। मैं एक और भी दूरगामी सजेशन देना चाहूंगा, वक्त आ गया है कि हमारे पास जो कांस्टेबल या उनकी भर्ती की भी प्रक्रिया में ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है कि जो इन चीजों पर बहुत तेजी से काम कर सके। वक्त आ गया है कि सिर्फ घुटनों के बल पर दौड़ने वाले सिपाही, जैसे कि हादसा अभी पिछले दिनों हुआ, उससे नहीं चलेगा। हमारे पास क्राइम इस समय साइबर और उन लोगों तक पहुंच गया है जिनके पास में एक उस समाज को समझने की भी जरूरत हो और नई टेक्निक और उस भाषा की भी जरूरत हो। ये सारे मिलकर ही इन चीजों का इलाज कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रशासन की एक विल पावर, जिसमें राज्य सरकार भी पूरा सहयोग दें। अच्छी बात यह है कि राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में भी केंद्र सरकार की और रेलवे की पार्टी की ही सरकार है, इसलिए अगर मिलकर इसमें वो करेंगे तो सबक दूर तक जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये ज्यादा है बजाय कि वो रेलवे की, ऐसा हादसा पूरे पूरे माहौल को ही खराब कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे सहयोगी पवन बने हुए हमारे साथ, एक बार पवन के पास चलते हैं। पवन, ये जो 26 अगस्त की भी ये घटना है, वंदे भारत को भी बेपटरी करने की यहाँ पर पहले कोशिश की जा चुकी है, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो रवैया प्रशासन की तरफ से अपनाया गया है, कोई एक्शन सख्त नहीं लिया जा रहा है, FIR दर्ज करने के बाद भी कोई जांच पड़ताल नहीं चल रही है, ऐसे में बदमाशों के हौसले आगे भी बुलंद होंगे और ऐसी घटनाओं को बार बार अंजाम दिया जाएगा। प्रशासन को ऐसे मामलों को लेकर सख्त होने की जरूरत है, इस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन ये लापरवाही। जी बिल्कुल शिवानी, अभी आपने इससे पहले जब मैं लाइव था अपने चैनल पर, तो जो थानाधिकारी है उन्होंने एक बात कही थी, क्या आपने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया। थानाधिकारी को वो बहुत छोटी बात लग रही थी, और वहीं उनके जो थाना, जो जेल, जो अजमेर के SP हैं, वो इस मामले को गंभीर मान रहे हैं। तो आप देखिए जिस तरीके से थानाधिकारी मौके पर हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो वो क्या ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा था, एक छोटे से बात को आपने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया, तो अब ये एक जांच का विषय है। हालांकि पुलिस मौके पर काम कर रही है, DFCC, RPF, GRPF तमाम जगह पर यहाँ पर आए हुए हैं, और
जिस तरीके की घटना है वो गंभीर मानते हुए जांच तो शुरू करिए। अब जांच किस दिशा में जाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा, मगर जो देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए DFCC फ्रंट कॉरिडोर का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने की दहशतगर्द साजिशकर्ता और असामाजिक तत्वों का ये काम यहाँ पर किया गया है, वो तो गनीमत रही। ट्रेन के जो पायलट है उन्हें समय रहते वो पत्थर जो ब्लॉक है वो दिख गया, उन्होंने ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत धीरे की, मगर जब तक ट्रेन रुकती उससे पहले वो ब्लॉक चकनाचूर हो गया और ब्लॉक की जो वजन है वो करीब 1 क्विंटल यहाँ पर बताया जा रहा है और करीब 5 से 7 लोग उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने की यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर एक ये गिरोह था जिसने भी ये घटना घटाई गई है। जी मैम, ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और प्रेमपाल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त NDTV राजस्थान को देने के लिए।